Hello everyone, once again I welcome you to our YouTube channel of Learning English. As you know that yesterday we have posted a video regarding necessity and compulsion, and we have talked the two uses of modals, must and need not to, and we have described necessity and compulsion in two ways, positive part and negative part. And yesterday I posted that video. If you have not seen that video so far, then first you go to that video and watch that first. I'm also posting the link of that video in the descriptions of this video. And today once again I have got a very simple and important topic for you guys. A lot of the time it happens that hamare sentence mein subject nahi hota. Sentence aap jante hain, group of word that gives a complete meaning, jo subject verb aur object ki sahayata se banta hai. सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई वी यू दे ही शी इट एनी नेम हो सकता है. वर्ब आप जानते हैं जहाँ पे किसी काम का होना पाया जाता है, और ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं मी अस यू देम हिम हर और इट, ये सब हो सकते हैं. बट आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ऐसे स्मॉल सेंटेंसेस के बारे में जहाँ पे हमारे पास ना वर्ब है और ना ही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है. तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जैसे आपको कहना है कि बहुत अच्छी बात है तो इसको आप क्या कहेंगे. आप कहते हैं अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है तो आप इसको क्या कहेंगे. तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको अपना सेंटेंस इट से स्टार्ट करते हुए इसका यूज करना है, और आगे जो भी बात है आप रख सकते हैं. ये बात उन पे भी लागू होती है, जैसे इट्स अ मार्कर, इट्स अ चेयर, इट्स व्हाइट बोर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स अ स्पोकन क्लास, इट्स माई यूट्यूब चैनल. So all these things are there. It will really help you in day-to-day life. जब आप ये बोलेंगे, negative जब आप बना रहे हो तो आपको बोलना है it is not. और वही चीज आप कह सकते हैं, जैसे आप कहोगे कि it's not my job, it's not a leave today, it's not my work, it's not my marker. Like that you can say. But इनके आगे अगर आप कोई चीज जोड़ दें, ये और ज़्यादा meaningful हो जाते हैं. जैसे आपने कहना है English सीखना बहुत आसान है, तो आसान को हम क्या कहेंगे, इजी. आगे आपको टू प्रीपोजिशन लगाना, और ये कहने की अब आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू से दैट आफ्टर टू वी अप्लाई एक्शन फर्स्ट. अगर और कोई प्रीपोजिशन होती तो हम वहां आईएनजी के साथ डील करते, लेकिन यहां टू है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करना है. सो हाउ टू से इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश. जैसे आपने कहा कि घर पे रहना आसान है, इट इज इजी टू स्टे एट होम. It is easy to get a private job. It is easy to prepare for a government job. It is easy to afford a bike. Afford मतलब जब आप कोई चीज को वहन करते हैं. So it is easy to afford a bike. आपने कहा online transaction सीखना बहुत आसान है, तो it is easy to learn online transaction. Social media का use करना आसान है, तो it is easy to use social media. So like that. और अगर यही चीज अब negative है तो आप it is not easy लगा के बोलेंगे. जैसे आपने कहा it is easy to prepare for government job, but it is not easy to get a government job. You say like it's easy to learn English, but it's not easy to speak English. But I say it is very easy to speak English, guys. वो जो hesitation आपके यहाँ भरी हुई है उसको एक बार आप बाहर निकालिए. Everything will be so easy for you. तो आपने कहा it is easy to afford a bike, but it's not easy to afford a car. इसी तरीके से आप आगे चलते हैं, it is difficult to. जो चीज आपके लिए मुश्किल है, तो पैदल चलना बहुत मुश्किल है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन फुट. आप कहते हैं कि घर पे टाइम पास करना थोड़ा मुश्किल है. सो इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू पास टाइम एट होम. आप कहते हैं कि ये गेम खेलना मुश्किल है, वो कोई सा भी गेम हो सकता है, वो रग्बी हो सकता है, वो बिलियर्ड्स हो सकता है, वो कैरम हो सकता है. सो इट इज डिफिकल्ट टू प्ले दिस गेम. मेरे पापा को कन्विंस करना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू कन्विंस माई फादर. और अगर यही आप इट इज नॉट लगा के बोलेंगे तो इट बिकम्स इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉक ऑन फुट, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली. सो दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन ऑल्सो मेक वाइल वॉचिंग वीडियो. अगला हमारा है इट इज अ बिग डील. कई बार ऐसी बात आ जाती है कि हम कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है, hey dear, you know, Rohit has got a government job. Then I replied, what are you talking, dear? Is it the truth? तो आपने कहा, yes dear, he has really got selection in a government vacancy. Wow dear, many many congratulations to Rohit. You know dear,
It's a big deal to get a government job. Recently, he has bought a car. Wow, dear. You know, it's a big deal to afford a car. It's a big deal to buy a car. Like that, you can say, it's a big deal to speak English. और आपको जो चीज लगती है कि ये बड़ी बात नहीं है तो आप नेगेटिव बना सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे किसी ने कहा, यू नो आई हैव गॉट अ न्यू मार्कर, तो आपने कहा, ओह कम ऑन डियर, इट्स नॉट अ बिग डील टू बाय अ मार्कर। जो आप इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो मार्कर लाया, सो इट्स नॉट अ बिग डील। कोई कह रहा है तो वो चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जीतना। सो इट्स अ बिग डील टू विन इलेक्शन, बट इट्स नॉट अ बिग डील टू फाइट इलेक्शन। ऐसे भी आप बात कर सकते हैं। अगला है, इट इज बर्डन सम टू, जिस काम को करने में आपको जोर आता है। मैंने किसी को कहा, बी रेडी एट 6 o'clock टुमारो, वी आर गोइंग अजमेर फॉर एन इम्पॉर्टेंट वर्क। ही रिप्लाइड, व्हाट 6 o'clock, आर यू सीरियस? यस आई एम क्वाइट सीरियस, व्हेयर इज द प्रॉब्लम? डियर यू नो वेरी वेल आई एम अ लेट राइजर, और मुझे सुबह जल्दी उठने में जोर आता है। सो इट्स बर्डन सम फॉर मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। Like that, आप घर के काम क्यों नहीं करते? It's burdensome to do domestic work. आप पैदल क्यों नहीं चलते? Why don't you walk on foot? Because it's burdensome to walk on foot. और यही अगर आपको जोर नहीं आता तो आप बोलेंगे it is not burdensome to. Like I said, it is not burdensome to do domestic work. It is not burdensome to cook food. Like that. अगला हमारा, it is important to. जैसे कोई आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, यू आर कंटिन्यूअसली वॉचिंग द वीडियोस, जैसे ही हम पोस्ट करते हैं आप साइड में बैठ जाते हैं, यू स्टार्ट वॉचिंग दैट। समबडी सेज स्टॉप इट, यू कैन वॉच लेटर, देन से नो डियर आई वांट टू वॉच इट राइट नाउ, देन से यू कैन वॉच इट लेटर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? देन से बिकॉज आई एम कंटिन्यूअसली लर्निंग ऑल दिस ऑनलाइन एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू लर्न इंग्लिश। आप कह सकते हैं पैसा जो है बचाना महत्वपूर्ण है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेव मनी। और अभी के लिए क्या जरूरी है? इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स ऑफ लॉकडाउन, इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी एट होम, इट इज इम्पॉर्टेंट टू वॉश ऑल द वेजिटेबल्स व्हेन यू आर बाइंग इट फ्रॉम मार्केट एंड कमिंग टू होम। सो बिफोर टेकिंग दैट, बिफोर मेकिंग दैट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू वॉश द वेजिटेबल। आप कहते हैं इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी एट होम ऑल द टाइम, इट इज नॉट, अगर नेगेटिव बनाना तो हो जाएगा इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू। आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब जो चीज हमारे लिए उपयोगी है, इट इज यूजफुल टू, तो उपयोगी किस तरह से, अखबार पढ़ना, इट इज यूजफुल टू रीड न्यूज़पेपर, इट इज यूजफुल टू वॉच न्यूज चैनल्स, इट इज यूजफुल टू लर्न इंग्लिश, इट इज यूजफुल टू डू होमवर्क, लाइक दैट। और अगर नेगेटिव है तो नॉट यूजफुल की जगह आप यूजलेस भी काम में ले सकते हो, इट्स यूजलेस टू। तो ये तो है इसका प्रॉपर वे बोलने का। अब आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, तो आप सेंटेंस इट इज से स्टार्ट मत कीजिए, जीरेंड फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये जो टू वाला पार्ट है ये आप पहले ले आइए, उसमें टू को हटाते हुए आप आईएनजी लगा देंगे, फिर आपको इज बोलना है और आगे जो भी है। जैसे मैं कहूँ इट इज ईजी टू लर्न इंग्लिश, तो आप इसको बना सकते हैं लर्निंग इंग्लिश इज वेरी ईजी। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन फुट, तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग ऑन फुट इज डिफिकल्ट। इट इज बर्डनसम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज वेरी बर्डनसम, लाइक दैट। अब अगर आपको इसी चीज के क्वेश्चन करने हैं तो आप स्टार्ट करेंगे इज इट से। तो जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान है? इज इट ईजी टू स्पीक इंग्लिश फॉर यू? तो ये एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है एंड यू आर सपोज टू आंसर इन यस और नो। यस इट इज ईजी टू स्पीक इंग्लिश एंड नो इट इज नॉट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। WH word बनाना है, आप words लगा के सीधा बोल सकते हैं, जैसे what's easy for you, what's burdensome for you, और what का जो आंसर है वो आप gerund form लगाते हुए देंगे। जैसे what's burdensome for you, washing clothes is very burdensome for me. What's easy for you, passing time at home is very easy for me. What's important for you, getting a government job is very important for me. Like that. And two things, जब हम बहुत बारी बोलते हैं, साइड में मैंने लिखा हुआ आपके लिए, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू। ये होता है जब आप कोई काम कर रहे होते हो और कभी कभी बोलने में आता है कि ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत बारी बोला जाता है। जैसे हम हिंदी में कहावत वगैरह बोलते हैं तो इंग्लिश में भी आप इस तरीके से बोल सकते हो। सो यू आर लर्निंग इंग्लिश एंड समबडी मेक्स फन, व्हाट द हेल आर यू डूइंग मैन, कम ऑन,
There is no need to learn English. Have fun in lockdown. Then you say, oh hello dear, it's not a child's play to learn English. It's not a child's play to speak English. जैसे वो चक्कू वाला उठा कर बच्चों के खेलने का ये नहीं है. तो इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू लाइक डू लाइक दिस. आप कहते हो बिजनेस चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है. इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू रन अ बिजनेस लाइक दैट. तो आप यूज कीजिएगा इसको भी. और दूसरा मैंने लिख रखा इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. ये भी एक कहावत की तरह हम काम में लेते हैं. जब आप कहते हो ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं आया आपके पास, डियर आई नीड सम मनी, कैन यू अरेंज. आप मेरे फ्रेंड हैं, आपने मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, हाउ मच यू नीड. अच्छा आई नीड ओनली 50,000 रुपीज. व्हाट आर यू टॉकिंग, 50,000 इज रियली अ बिग अमाउंट ऑफ मनी डियर, आई कांट, आई एम सॉरी, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. यानी इस पैसे को अरेंज करना ये मेरे बस की बात नहीं है. मैंने कहा डियर व्हाई डोंट यू स्टार्ट टीचिंग, then say it's not my cup of tea dear. Why don't you run your own business? It's not my cup of tea. तो ये मेरे बस की बात नहीं है. So ये है हमारा आज का topic. I hope you like this video. You learn something from this video. Please share this video with your dear ones, friends and family members. And don't forget to press the bell icon for getting further notifications guys. And keep learning, be at home, be safe. I shall meet you in next video. Till then, take care. Have a great fun at your home. Bye-bye.